کے ذریعے اتنا آج یہاں ایوارڈ تقریب منعقد کی جا رہی ہے جس میں شعر و ادب کے مختلف اصناف پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والی شخصیتوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ تخلیق ستھے نو کی درخشندہ کرن آئی ہے پاٹری ہوئی آئی چمن چمن اکثر جمال نو سے ہے تسکین فکر و فن ترشا قلم کی روح سے تبکیل کا وطن۔ تین دریائے ڈرامے یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں جو دراصل اسٹیج اور ریڈیو کا حسین انتظار ہے۔ ریڈیو اس لیے کہ ریڈیو پر جو فنکار ہوتے ہیں وہ صرف مائک پر اپنی آواز کا جادو جلا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسٹیج اس لیے کہ یہاں پر کاسٹیوم اور سچویشن کے حساب سے منظر کشی کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر منظر کشی سے تھوڑا سا گریز کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو اور اسٹیج کا یہ جو حسین انتظار جو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں، یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اور یہاں پر یہ جو ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں فنی طور پر یہ ہم مکمل ڈرامے تو نہیں کہہ سکتے، 15-15 کے مختصر سے ڈرامے ہیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عصر نو عصر حاضر میں آج کل سماج کی جو حقیقت ہے، آج کل جو حالات ہیں جن حالات سے دو چار ہو رہے ہیں اس کے جو ہے صحیح تصویر کشی کریں، آئینہ جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ایوارڈ تقریب کے اس موقع پر، خوشی کے موقع پر، امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً اسے پسند کریں گے۔ تو ہمارا آج کا پہلا ڈرامہ جو ہم یہاں پر پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ماں تجھے سلام، اور دوسرا ڈرامہ ہے وقت کیا احساس ہے اور سامنے کا حاضرین میں ہے، اور تیسرے ڈرامے کا عنوان ہے جو کہ حقیقی اسلامی واقعے پر کی مختصر سا ڈرامہ ہے جس کا عنوان ہے افو کو درگزر۔ تو آئیے پہلے پیش خدمت ہے ڈرامہ ماں تجھے سلام، اور آپ کو بتاتے چلوں کہ ان ڈراموں کی تحریروں کے لیے ڈاکٹر جاوید کمل تھا مجھے دیکھ کر آنا چاہیے، اور اس ڈرامے ڈراموں میں حصہ لینے والے فنکار ہیں جناب لطیف الدین صاحب، جناب محبوب خان اصغر صاحب، جناب نعمت اللہ بیگ صاحب، ڈاکٹر جاوید کمل صاحب، ڈاکٹر معین احمد ابو صاحب، جناب ریا یادو صاحب اور عطیہ مجھے گا رہے ہیں۔ تو پیش خدمت ہے پہلا ڈرامہ ماں تجھے سلام۔ عزت صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہاں بھی وہ انصاف سے محروم کر دیا جائے۔ جی ہاں، کیا یہ عجیب و غریب نہیں ہے؟ ایک آدمی ایک ایک پائی توڑ کر
कब मैं अपनी पूरी जमा करा देता पर बता कर गधे के सबसे सीन की तरह पायल हो जाता बेचारा मिस्टर अपनी पूर्व बचे की कमाई के लिए अदालत से गुहार लगा क्या ये अजीब गलत नहीं है जी हाँ जी हाँ आजकल ऐसा नहीं हो रहा है वकील साहब धूमधाम से लाखों रुपए पानी की तरह वहां पर शादी की जाती फिर लग गया लेकिन एक साल के अंदर ही लड़के वालों पर दुल्हन को मजीद रकम और सामान अपने मायके से लाने के लिए मजबूर कर देते और वो मजबूर और बेबस दुल्हन खुद सौदी कर लेते निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दिया जाता क्या ये अजीब और गरीब नहीं है जी हाँ बिल्कुल अजीब और गरीब है साहब वकील साहब एक सीनियर मुलाजिम की हाथ तलवी करके जूनियर को तरफी दे दी जाएगी सीनियर बेटा अपने हक के लिए बजाय ऑफिस जाने के अदालत में हाजिरी देता रहता क्या आपको ये अजीब और गरीब नहीं लगता जी बिल्कुल अजीब और गरीब लेकिन आज के मुकदमे की नौबत जरा अलग है इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगा मां को लेकर दो महीनों का ही मुकदमा है जायदाद की तफसील को लेकर झगड़ा होगा जी नहीं होता तो वकील साहब बेटों ने अपनी बुरी मां को घर से निकाल दिया होगा ऐसा भी नहीं है दोस्तों तो फिर ओल्ड एज में गरीब मां को मुंतकल करने का मसला होगा आपका अंदाजा तो कुछ नहीं है मतलब तो फिर मां के खाने पीने और दवाओं के अंदाजा को लेकर खड़ा होगा ऐसा भी नहीं है वकील साहब आजकल इन्हीं तमाम बातों को लेकर औलाद और माँ बाप के बीच में तनाव है अगर इनमें कोई मसला नहीं तो यकीन जैसा कि आपने कहा ये अजीब और गरीब मुकदमा हो गया खैर कार्रवाई शुरू कीजिए देखते हैं जी बेहतर है बेटों को हाजिर किया उन्हें निकल गए हम भाइयों के फिर से नहीं
और जायदाद छोड़ी है। तो मैं यह सब बता रहा था कि आपके बड़े भाई जायदाद की हिस्सा देने से इनकार तो नहीं कर रहे। जी जी नहीं कर सकता, जी नहीं जी, क्योंकि उन्हें जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके, बल्कि वो तो अपने हिस्से की अपना हिस्से भी मेरा नाम करना चाहते हैं। तो फिर क्या बात है, आप साफ साफ अदालत के सामने रखिए। बात दरअसल ये है जज साहब जी, मेरे वाले मोहतरम का इंतखाब के बाद, उनके इंतखाब के बाद से आज तक यानी 10 साल से मेरे बड़े भाई ने माँ की खिदमत करते आ रहे हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप तो क्या इतराज है बना साहब? क्या बेटा, लेके नाते मेरा कोई हक नहीं बनता वहां पर? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। आप भी अपनी माँ की खिदमत कीजिए ना, किससे रोका? अच्छा साहब, मैं और मेरे बड़े भाई अलग अलग घरों में रहते हैं और उनके दुनिया काफी तभी फासला है। तो मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब, आखिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई अब मुझे अपनी माँ की खिदमत करने का मौका दे। मैं भाई
भाई साहब से 6 साल छोटा हूँ, इसलिए माँ की खिदमत भाई साहब से ज्यादा अच्छी तरह मैं कर सकता हूँ। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मौत बरहक है और माँ की उम्र अब 85 साल हो चुकी है। खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया, तो मेरा शुमार भी उन पर नसीब औलाद में से हो जाएगा जिनके माँ बाप जिंदा होने के बावजूद वो लोग उनकी खिदमत से महरूम रह गए। नहीं, मैं बदनसीब कहलाना नहीं चाहता, मैं बदनसीब कहलाना नहीं चाहता। Thank you.
कुछ हद तक अपना हक अदा कर दिया और अब अब्दुल सत्तार जो उम्र में अपने बड़े भाई से 6 साल छोटे और ये ज्यादा उस तरीके से अपनी मां की खिदमत कर सकते हैं। ज्यादा अदालत नहीं चाहता, नहीं आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, एक एक बेटे को अपनी मां से अलग नहीं कर सकते, खुदा हाफिज़।